खान साहब सर थोड़ी सारा खुल गई फिर से पूछ लो फिर ऐसे ही कहेंगे ये दिल्ली दौड़ते मुझे पता है झूठ बोल रहे हैं भाई साहब बंटीज खाते थे ना मल्टी कलर की ये उनमें से ही है सारे राहत भाई मैं चाहूंगी कि ये मेरी पसंद का गीत सुना दे अच्छा मेरी पसंद का नहीं होता नहीं इनके गाए हुए वैसे तो सारे गीत बहुत खूबसूरत हैं आपका फेवरेट लेकिन कौन सा तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था क्या कहना मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था जरूरी था कि हम दोनों तवाइफ आरज़ू करते मगर फिर आरज़ूओं का बिखरना भी जरूरी था क्या बात क्या आज आपने अजीम कर दिया देखिए अब्बा गाने में कुत्तों का नाम भी ले लिया हिट पे हिट फिल्में हैं और वाकई अगर उनकी हम लोग लिस्ट निकालें तो बहुत लंबी लिस्ट है उसके साथ साथ आपने बहुत मेगा ब्लॉकबस्टर्स प्रोड्यूस भी की ये एकदम फिल्म के अंदर रुकावट क्यों आ गई शादी हाय डॉक्टर साहब साड़ियां फिल्मा रोक देती है अब्बा ने बड़ी डॉक्टरी की है हाँ जी सारी दवाइयां खुद ही खा जाते थे मर्जी इतने लगे हुए थे माशाल्लाह मैंने कई ऑपरेशन किए मैंने बंदा खोल दिया बंद नहीं होता था मुझसे असल में ये इंटरनेट से देख के ऑपरेशन कर रहे थे ना बिल्कुल टाइम पे इनका डाटा खत्म हो गया हाँ जी हाँ जी देखिए मैडम आप आ गए हैं असल में मैं आपको बताता हूँ बात ये है कि ये देखिए अल्लाह खैर इतना ज्यादा सामान हम लेके आए असल में अब्बा को कराना शागिर्द पहले तो ये मिठाई है कहाँ गया ये देखिए आप सिफारिश कर दीजिए मेहरबानी अब्बा को शागिर्द करवाना है इनका प्लीज अब्बा का तो फायदा होगा इनको किस चीज की सजा है मुबारक दे देंगे इनके साथ बैठ के अफसोस कर लेंगे मैं दोस्तों के साथ ज्यादती नहीं कर सकती ये राखी बनवा दीजिए राखी सावंत भी मेरी फुफ्फो ही लगती है बताइए ना अब्बू अब चल कहां से लगती है इसीलिए आपकी हरकतें ऐसी सही ना प्लीज हाँ साहब रीमा जी अब्बा जी के मुंह से बंद होता बोल ना सकन गले से बनना मेरे हाथ पे अच्छा ओके अब्बा जी नीचे बैठ जाए उस्ताद वो ऊपर होते हैं ये टावल भी है जब अब्बा के हाथ लग जाएंगे ना आपको फिर हाथ धो लीजिएगा मैंने लगाना ही नहीं है तो आप बेफिक्र रहो अब्बा जी हमारे मकरूह हैं नीचे बैठ जाएं नीचे बैठ जाएं अब्बा जी अब्बा ही पांव में बैठिए वाह 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 शागिर्दी कर रहे हैं और जी ये शागिर्दी हो गए यहाँ पे टाइम नहीं देखना गलत चल रहा है 5 मिनट ज्यादा बुरा करते हैं तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है बदतमीज मेरी बेस्ती का है उन्होंने कहा ऐसा करो मुबारक मेहरबानी इतना बड़ा काम आपने कर दिया एक छोटा सा और अर्ज है प्लीज रिक्वेस्ट है अब हमारी अम्मा को ना असल में बहुत शौक है एक्टिंग का आप अगर उन्हें शागिर्द कर ले तो जिंदगी बन जाएगी हमारी देखिए आप कह रही है एक्टिंग नहीं आती अम्मा की एक आध तस्वीर तो दिखाइए जरा अम्मा की दिखा दी बेटा फिर मना ही हो जाएगा आपके दरबार में लोग हैं इनको देखकर तो लगता है कि अजब सा नजारा है गजब की दुनिया का लोग सब बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए इसका ये मतलब है कि तुसी रीमा नु इजी ना लवो रीमा जी और खान साहब को शीश महल में मधु किया जाए और इन सब को जिंदान में डाल दिया जाए गल्ला सारियां बढ़िया याद की जिंदान में डाल दिया जाए अपना एक मरले का घर बादशाह सलामत आपके दरबारी आपकी इज्जत क्यों नहीं करते इनकी है नहीं मैंने सुना है और पढ़ा है कि जिसके पास जो होता है
वो वही दूसरे को देता है। हम जलील हो गए, कोई बात नहीं, आप इनको जो देते हैं मुझे लगता है कि वही बदले में आपको मिल रहा है। क्या अच्छी बात की आपने। असल में देखिए रीमा जी, ये जो सामान है ना, बादशाह सलामत ने ये भी तोशा खाना से चोरी करके दिया है हमें। आप चोरी भी करते हैं? हाँ, तो इसलिए तो बादशाह बना, वरना असली बादशाह से होते हैं। ये वो बादशाह जब लोग ताश खेल रहे होते कहते हो बादशाह ने सुटी अगले नु लगता ही। रीमा जी वो हमारी अम्मा वाली बात तो बीच में रह गई, हमने आपको कहा था कि चले उन्हें कुछ सिखा दे, आपने करना। मेरी मेरी दिल से दुआ है कि काश आपकी अम्मा ने आप लोगों को कुछ सिखाया होता। रीमा जी इसलिए कह रहे हैं आप हमारी अम्मा को ना सिखाएं, पप्पू सम्राट को सिफारिश कर दें, निगाह हुसैन को सिफारिश कर दें, चार स्टेप सीख लेगी, हमारा नेक्स्ट स्टेप अच्छा रहेगा। तो अम्मा को ले ही आओ यार, वो अम्मा ऑस्ट्रेलिया गई है, उनके टेस्ट है असल गुर्दे के, गुर्दे के। नहीं नहीं, अच्छा मैं समझी टेस्ट क्रिकेट। नहीं नहीं, आप समझी बसली, आप समझी सुमक्रम के साथ गई है, सिर्फ आक्रम के साथ गई है। भाई सच्ची बात बताते, असल में ना अम्मा के गोडे चेंज करवाने के लिए भेजा है, जहाँ से शोएब अख्तर के करवाए थे वहीं से अम्मा के करवा रहे हैं। उन्होंने शोएब अख्तर के गोडे अम्मा नहीं पाते, अम्मा इसलिए शोएब अख्तर पैदल ही निकल गई है। अम्मा की अब स्पीड 161 हो गई और ट्रक के गोडे पाए उन्होंने। रीमा जी आपने सही डॉक्टर चुना है, शुक्र है आपने डॉक्टर आमिर लियाकत नहीं चुना। नहीं मैंने नहीं चुना, मेरे वालदैन ने चुना था, इसलिए उनका इंतखाब परफेक्ट। आमिर लियाकत तो शादियों के लिए इतने बावले हुए पड़े हैं जी, वो जहाँ शादी वाला तंबू देखते हैं अंदर चले जाते हैं कि शायद पत्नी मेरी हो रही है। अगर पकड़े जाए तो वहां पर पापड़ बेचने लग जाते हैं। और शादी के चक्कर में जब से उनकी शादी हुई है उन्होंने सोच रखा कि शायद अब मैं वजीर आजम भी बन जाऊं। तीसरी शादी के बाद हर बंदे का माइंड यही बन जाता है कि मैं वजीर आजम ही बनूंगा। इसीलिए तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी कि कप्तान को टफ टाइम दूंगा। टफ टाइम तो नहीं दिया, बस आधा घंटे का टाइम दिया फिर वापस निकल आया। आपने देखे हमारे अब्बा हजूर तो मौसीकी के इतने दिलदादा हैं, आपने वो गोखी भाई का नाम तो सुना होगा। वो कौन है आपको नहीं पता है? नहीं। वो फुटबॉल का मैच बहुत अच्छा खेलते हैं। उनके बराबर में एक मुगनिया थी अब्बा जान, उसके घर के अंदर चुकनाइजर थे। हाँ। वहां शुकनिया थे, शुकनिया। और खान साहब गोखी भाई ने फिर अब्बा जान को आला तालीम हासिल करने के लिए लालपुर भेज दिया। साला तालीम, आला तालीम, साला साला सर, साला नहीं सर, अगर आप कह भी सकते हैं, देखिए अगर आपके माइंड में है। नहीं 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 नहीं, हम अहंकार नहीं है, मैं जो मर्जी, हमारी फूफी अच्छी जगह जाए हमें इस बात की खुशी है। हाँ, गोखी भाई ने आला तालीम के लिए अब्बा जान को लालपुर भेज दिया। हाँ जी, हालांकि इनके पास किराया नहीं था। जब खान साहब इन्होंने लालपुर से आला तालीम हासिल की वापस आए, क्या बताऊं फिर तो ये इतने तौबा तौबा चुकन्ने हो गए कि 100 के नोट को तो समझते कुछ नहीं थे, 500 का नोट ठुमका लगा के पकड़ते थे, 1000 का नोट देखते ही पर निकाल लेते थे। इनको तो फिर गोकी भाई कहती थी मेरे जमाने का ड्रोन है ये। और ये पैसे पकड़ के वापस ऐसे आते थे उड़ते उड़ते उड़ते, लोग तो इनको फिर डेंगी डांसर कहने लगे थे। असल में अगर मैं इसका खुलासा करूं तो अब्बा ना चुकनाइजरिज्म के बानी है। अब एक काम करो, अब्बा की किताब दे दो ना, अब्बा उसकी फुर्तियां पढ़ा देंगे ये लोग। ये हमारे जो अब्बा इतने पैसे उठाते हैं वो हमारा बंदा नहीं है, थैला है पैसे डालने वाला। खान साहब, जो आपने कहा कि मुंह से निकली बात कभी कभी सच भी हो जाती है। मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है ये? कब कहा है ये? मुगले आदम का दरबार टांग ऊपर करे, टांग ऊपर।